पीर साहब, वीडियो थी, अल्फाज को तब्दील किया गया, बड़े ख़तरनाक अल्फाज थे, वो ख़वातीन भी परेशान थी, तौहीन का मुतालबा किया गया। जब वीडियो सामने आई जिसमें ये अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तब तो बढ़ चढ़ कर मजहबी जो लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया इसमें कि औरत मार्च वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब मामला पकड़ा गया उसके बाद सारे खामोश हो गए, कोई बयान जारी नहीं करता, क्या वजह है इसके पीछे? बुनियादी वजह इसमें यह है कि औरत जो है इसको इस्लाम तमाम तहफ़ुज़ात फराहम करता है, और औरतों की तहरीकें जो हैं ये मजहबी तौर पर, अगर ये मुसलमान औरतें इस्लाम के दायरे के अंदर बात करें तो इस्लाम ने औरत को मुकम्मल आज़ादी दी हुई है, औरत को एहतजाज का भी हक उसी तरह हासिल है जिस तरह मर्द को हासिल है। ठीक है, औरत ज़ाहरी तौर पर बुरका ना भी पहने लेकिन अगर मुकम्मल पर्दे में हो औरत, उसका बाहर निकलना भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगर औरत अपने उन मसाइल में जिनमें उनको कुछ दिक्कतें मुआशरे में दरपेश हैं, तो जिसकी इस्लाम उन पर कदगन भी नहीं लगाता, तो ऐसी मुसलमान औरत जो है वो अपनी उन आज़ादियों के लिए, जो मादर पिदर आज़ादी की बात नहीं करता मैं, लेकिन आज़ादी के लिए अगर कोई अपना मुतालबा पेश करती हैं तो वो उसमें पूरी तरह हक बजानब हैं, शरी तौर पर भी। और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफ़ा एक सहाबी अपने बच्चों समेत हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मुझे मेरे पड़ोसी जो है वो तंग करते हैं, तो मैं क्या करूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस अजीम सहाबी से फरमाया, इस बुनियाद पर वो तो फहीम उसकी तो बाद में समझ लें, उन्होंने हुजूर ने फरमाया कि आप अपने घर का सारा सामान गली में रख दें और जो भी आपसे पूछे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहें कि मैं पड़ोसियों से तंग हूँ और मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो सहाबी हुजूर के हुक्म पर घर गए और अपने बाल बच्चे समेत उन्होंने घर का सामान गली में रख दिया और खुद वहाँ बैठ गए। जो भी गुजरता वो उसको पूछता उनसे कि आप कहीं जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो वो उनको फरमाते, वो कहते सहाबी रसूल कि मुझे मेरे पड़ोसी तंग करते हैं इसलिए मैं कहीं चला जाऊँगा। ठीक है, तो मुआशरा अच्छा हो, और वो मुआशरा अच्छा था, करने अव्वल थी, हुज़ूर का आयत मुबारक था, तो सैकड़ों असास बंदे आ गए और उन्होंने माजरत करके सामान अंदर रखवाया और उन लोगों ने आकर ये कहा कि अगर आप हमारी वजह से परेशान हैं तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका ये बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे में खामोश और पुरअमन एहतजाज का एक मौका दिया, उम्मती को दिया, अपने सहाबी को दिया, और अपनी सल्तनत में अपने मुआशरा जिंदा है तो वो खुद एहसास कर जाएगा कि मुझे अपना पड़ोसी के हक अदा करने चाहिए, तो ऐसा हो गया। ठीक है, हमारा मुआशरा जो है वो प्रोपोगंडे का शिकार हो जाता है और वो मामलात की तहकीक के बगैर ये बातें इस किस्म की सुन के उसे वक्ती मुतासर होते हैं, लोगों के जज्बात होते हैं। जो लोग तर्जमानी करने वाले हैं उनको तहकीक करनी चाहिए। अगर औरत ऐसी आज़ादी मांगती है हो जो मादर पिदर आज़ादी है और ऐसी लादीन तबकात मुल्क में मौजूद है, बिल्कुल, अगर ऐसी बात हो तो वो उसको तो उसकी तो मजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर औरत अपनी आज़ादी, ऐसी आज़ादी की बात कर रही हो जो हमारे माशरे में मर्द का माशरा है, औरत की तजलील होती हो, तो इस्लाम ने तो औरत को जिंदा रहने का हक दिया, उसको एहतजाज का भी पुरअमन एहतजाज का हक दिया है, और अपनी बात दूसरों तक मुंतकिल करने का जज्बा और शऊर भी अता फरमाया। ठीक, हमारी मुकद्दस तरीन जो खातीन है वो मैदान आए जंग में भी अपनी जो औरत की जो जिम्मेदारी उसकी उनको इजाज़त थी और वो जाती भी थी। ठीक है, तो मुसलमानों की जबानों पर जारी हैं ये कलेमात के फलाम मुस्लिम खातून ने ये कारनामा सर अंजाम दिया मैदान जंग के अंदर भी, मतलब मैदान जंग में भी खातून का किरदार था, किरदार था और अब भी वो किरदार तो अब भी है, होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बेचारे मनसब उनके पास अच्छे हैं, मुकद्दस हैं, लेकिन वो इस जदीद जो मीडिया के अंदर जो ये सोशल मीडिया में जो शरारतें हो रही है,
इनसे नावाकिफ है, तो उनको बाद बात का बतंगड़ बना के तो उनको फतवे जारी करने की बजाय उनको तहकीक भी करनी चाहिए। ठीक है, फतवे में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सही होगा, फतवा सोच समझ कर देना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चलो जो पीछे हट गए हैं असल हकीकत से वाकिफ होके कि ये तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। असल में ऐसे तबकात जो पाकिस्तान के अंदर अब जन्म ले गए हैं, इनके डांडे मेरी सूझबूझ के मुताबिक उस फितने के साथ ताल्लुक रखते हैं जो सिपाहियों का फितना था, जो मिस्र से उठा और मदीना के बाहर इकट्ठे हो गए। वो अब्दुल्लाह इब्ने सबा जो यहूदियों नस्ल था और उसने मुसलमानों की बेखनी के लिए अपने सारे शैतानी जराए इस्तेमाल किए, थिएटरों में उसने थिएटर चलाए मदीना के बाहर। उस दौर में भी ये चीज़ें थी, उस्मान गनी रदी अल्लाह तखलीफा है सालस के दौर में उसने ये प्रोपोगंडा किया और बैरून मदीना सबाई फितना इस रूज पर पहुंचा। वो जय्यद सहाबाए किराम जो उम्र के लिहाज से ज़ईफ और बुढ़ापे में थे और उनमें से अक्सर जो थे वो नमाज हरम में जाकर पढ़ने के लिए भी उनमें सकत नहीं थी कमजोरी की और बुढ़ापे की वजह से, तो घरों में नमाजें पढ़ लेते थे। और जो सहाबा ला तादाद उस वक्त साहेब सैफ थे जिनकी जिनके हाथों में तलवारें थी और वो तलवार के धनी थे, उनमें हजरत मौला अली शेर खुदा भी उनमें शामिल थे, हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन थे, तलवार उन अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त के बगैर उठाई नहीं जा सकती थी। आपने मना किया कि मैं अपनी जान के तहफ़ के लिए मदीना में खून रेजी बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने फरमाया कि कोई बंदा उठ के जंगो जदल ना करे। ठीक है, तो तलवारें बांध दी अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, और ज़ईफ जो लोग थे वो घरों में थे। ठीक है, मदीना सिपाहियों के फितने की जद में था। ये सिपाही फितना है जो बातों को तोड़ मोड़ कर ड्रामे की शक्ल में, उस वक्त भी ड्रामा वहाँ हुआ, ये जो भांड जो तमाशा करते हैं ये भी उसमें हुआ, ये तारीख शायद है इसमें। ठीक है, और थिएटर भी वहाँ चले। ठीक है, उनमें प्रोपोगंडा किया गया और इस्लामी सल्तनत जो खिलाफत राशदा थी उसके अंदर दराड़ें डालने की कोशिश की गई। सही, और पूरे मदीना में सब अहले खैर जो थे वो मुज़्तरिब थे, उनको इज़्तिराब था कि सही बात नहीं मिल रही। मदीना के अंदर आसूदगी आ गई फतुहात की वजह से। हर मदीने का जो शहरी था वो जितना भी बड़ी हस्ती थी उनके घर में भी उस वक्त मार्केट में औरतें नहीं जाती थी। ठीक है, बिला वजह माल खरीदो फरोख्त के शौक में, तो हर घर में एक अजमी मुलाजम था। ठीक है, वो मुलाजम अजमी जो थे वो चूंकि ईरान, चलो ईरान सिफारत से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, वो इन ड्रामों और इस फोटोबाजी को उस वक्त भी मजूसी जो थे, अगरचे ईरान फतह हो चुका था वहाँ इस्लाम का गलबा भी हो चुका था लेकिन असरात बाकी थे। ठीक है, मजूसियों के, तो वो मुसलमानों के रूप में यहाँ आ गए तो वो उन सिपाहियों के फितने में शामिल हो गए। तो सहाबा के घरों में भी जो इत्तलात आती थी वो प्रोपोगंडे की शक्ल में थी, इसलिए वो जय्यद हस्तियां भी इस प्रोपोगंडे का शिकार, प्रोपोगंडे का इस तरह शिकार हुई कि वो मुज़्तरिब थी कि हमें बात ही सही नहीं मिलती। इस इज़्तिराब से लोग फायदा उठाते हैं, तो जो लोग ऐसे क्लिप जारी कर देते हैं जिनमें गलत बातें हों तो वो मुसलमान मुज़्तरिब हो जाते हैं, जब उसकी हकीकत से आगाही होती है तो पीछे भी हट जाते हैं। ये अल्लाह उनका भला करे जो भड़क के पीछे है तो हट गए ना हकीकत सामने आने पर। लेकिन इन मामलात में उलमा को भी पूरी तरह बाखबर रहे, उलमा कहते हैं उसको हैं जो बाखबर हो, साहिब इल्म बाखबर होता है। ठीक है, ये उलमा की बेअदबी है कि उनको लोग ये समझेंगे ये जल्दबाजी करते हैं। उलमा का ये मनसब नहीं है, ये मुअल्लम है जो मुआशरे में, इनकी तो ड्यूटी है कि ये जिस जिन अजीम हस्तियों के मसनद नशीन होते हैं उसके तकद्दस को ख्याल रखें। जैसे एक वली अल्लाह भी हो तो उसका बेटा बड़ी आसानी से ये फरमा दिया जाता है उलमा की तरफ से बेहतियाती में कि ये अपने बाप की तरह नहीं है, और वो होते भी नहीं। सही, तो ये जो उलमा इस जम में फतवे जारी कर देते हैं तहकीक के बगैर, ये भी तो अबू हनीफा के मसलक पर नहीं आते ना, वो ना उनकी जानशीनी कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर उस्तादी शगिर्दी के लिबास में आ जाएं तो ये उस्तादी के मनसब से गिरे हुए लोग हैं। इनके खिलाफ क्या
कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस क्लिप को गलत तरीके से, साइबर क्राइम्स वालों को इस मामले में एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैं खुद अपने आप समझे तौर पर या अपने तौर पर कह रहा हूँ कि हम भी इन्हीं सिपाहियों के फितने के अंदर हालात का मुकाबला कर रहे हैं। ठीक, ये तकरीरों हमारी तकरीरों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और लाखों के इन्होंने पीछे मास्टर माइंड रखे हुए हैं। यानी इनका जायजा लेना चाहिए कि 60,000 में मुलाजम रख लेते हैं, ये बेतहाशा लोगों से चंदा बटोरते हैं, 60-60,000 70-70,000 पर मुलाजम रखते हैं, और ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं झूठ की भी और हर किस्म के इस फ्रॉड की, और लोगों की नज़रों में ये खाक झोंकते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी तहरीकें यहाँ मौजूद हैं जो जिनमें से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें मौजूद है जिनको मुद्दतों अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। ठीक है, और आज तक वो फोर शेड्यूल के मुजरम भी हैं, और उनको ये मौका दिया जाता है कि वो लोगों पर भोंकते रहे, गालियां बकते रहे, और उन्होंने ऐसी टीमें ईजाद की हुई हैं। तो साइबर क्राइम का कोई अमल दखल हमने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने किसी पर कोई मुकदमा कायम किया हो। थानों में 4,000 मुकदमा कायम हो जाता है, एक महीने में 1,000 होता है मुकदमा हर थाने। साइबर क्राइम का कोई जुर्म पकड़ा हुआ आज तक हमने नहीं देखा। आप समझते हैं कि साइबर क्राइम को इस पर एक्टिव होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, और उनको देखना चाहिए जिन लोगों ने वो औरतों के पुरअमन मुजाहरे को कुफर का मुजाहरा बनाने के लिए जिन्होंने पहले पहल की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम होने चाहिए। ठीक, वो मुआशरे में मुजरम है और काजी उन पर ताजीर लगा सकता है शरीयत में। ठीक है, काजी को ताजीर का हुक्म है, जिनको पर्चा देने का हुक्म है वो पर्चा नहीं देते साइबर क्राइम वाले। और लोगों की रोजाना पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, और औरतें अगर किसी जायज़ मामले में जो शरी तौर पर नाजायज़ मुतालबा नहीं है उसके लिए आवाज़ उठाती हैं, तो उनका आवाज़ उठानी चाहिए माशरे का ज़मीर जी जोड़ने के लिए। अगर सरवरे कायनात हुक्म फरमा रहे हैं कि अपने साथी को कि वो अपने बच्चों को लेकर घरेलू सारा सामान गली में रख कर बैठ जाए, तो इससे ना हुकूमतें माकूल एहतजाज पर भी हुकूमतें तवज्जो नहीं देती, और आम आदमी भी मुंह पे कपड़ा रख के आगे निकल जाता है, देखते नहीं है कि इंसानियत जो है वो आसान जिंदगी मुल्क में गुजारने के लिए वो बेचैन है, मुस्तरब है, लोग रो रहे हैं सड़कों पर, उनको कत्ल कर दिया जाता है, मैयतें उठा के लोग पर्चे देने आ जाते हैं, वो पर्चा नहीं है, और इनको कोई ना मिले पर्चा देने के लिए तो राणा सनाउल्लाह पर चरस डाल देते हैं कई किलो। जराइम इनको नजर ही नहीं आते, जराइम मुल्क में थोड़े नहीं हो रहे, कत्ल के मुकदमात कमी भरमार कत्लों में की उसी तरह जारी है। लोग उन कत्लों के पर्चे दर्ज करवाने के लिए दो दो बंदा जुलूस निकाल कर, दो दो बंदे फौत हो जाते हैं, तो कत्ल का मुकदमा कायम नहीं होता। वो मुकदमे जो है जिसमें किसी राणा सनाउल्लाह या पुराने जमाने में चौधरी जहूरले पर भैंस चोरी का एक मुकदमा हो गया हुआ था, ऐसे मुकदमात के लिए ना इनको मुद्दई की ज़रूरत होती है ना गवाह होते हैं, सारा ड्रामा रचा लेते हैं। तो औरतों को अगर जायज़ मुतालबात उनके अगर हुकूमतें माने और मुआशरा भी समझे कि जो औरत तंग है वो अगर औरतों के मुजाहरे में शामिल है, बापर्दा भी है और भारी चादर ओढ़ कर औरतें अगर चल फिर रही हैं, तो उस पर किसी को क्या एतराज़ है। ठीक, बहुत शुक्रिया पीर महफूज शाह मशदी साहब से। हमने जो सवाल किया एक बड़ा मसला था, अभी तक किसी बड़े मजहबी रहनुमा की जानिब से इस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगु कोई बयान सामने नहीं आया। इन्होंने जो मुतालबा किया, जो बयान और जो मिसालें दी, और औरत मार्च के हवाले से या औरतों के हकूक़ के हवाले से एहतजाज होते हैं, इस पर इन्होंने जो मिसालें दी वो सब आप लोगों ने सुन ली है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।